कर्मचारियों की एक उम्मीद है आपके पास। जय मातरम। और यूटी की जो पूरी कमेटी अभी यहाँ पर मौजूद करने की कोशिश की है, हम लोगों ने जितनी बार भी कोशिश की, कभी हम लोग व्यापारियों के साथ भी मीटिंग लेके पूरा सहयोग हमने किया। साहब उल्लासनगर जींस का जो मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट इंडिया में, हम लोग उसमें सभी व्यापारी भाई जो जुड़े हुए हैं वो किसी न किसी बाजार के अध्यक्ष। ये 1.5 साल से जब से कोरोना चालू हुआ है, साहब अगर कंपेयर करेंगे किसी भी और शहर से, कल्याण से तुम्हारे सामने आंख उठा के देखिए, पहले फर्ज अदा करो फिर अधिकार की मांग करो। और मैंने बोला ना भाई साहब को, आप कितना जीएसटी देते हो, कितना सीएसटी देते हो, कितना इनकम टैक्स यहां से जाता है उसका हिसाब लगाओ और लिख के दे दो सरकार को। जरूरत पड़े तब प्रहलाद मोदी को बुलाना, प्रहलाद मोदी अवश्य आएंगे। हमें आक्षेप करने की जरूरत नहीं है, हमें लड़ने की जरूरत है। भाई साहब ने कहा सच्चे हिंदू, गौरव है मुझे, और हिंदुओं की बात लेकर हमें चलना है। लेकिन जब बिजनेस की बात आती है, व्यापारियों की बात आती है, वहां धर्म नहीं होता, वहां सिर्फ व्यापारी होता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, तब धर्म की बात है। लेकिन व्यापार की बात करिए, व्यापार कोई धर्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, व्यापार अपनी बुद्धि कला के साथ जुड़ा हुआ है। कभी समाधान का रास्ता पहले से तय नहीं होता, जैसे जैसे चलेंगे वो जहां ठोकर लगेगी वहां पत्थर को हटाएंगे। जीएसटी का 50% हिस्सा व्यापारी को नहीं मिलना चाहिए, इस विस्तार के विकास के लिए मिलना चाहिए। आपकी समझ में कम समझे हो, और इसीलिए मैंने तो बोल दिया कि आप घोषित करो कि हम जीएसटी नहीं भरेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होगी, यहाँ का विकास के लिए प्राबंधी नहीं होगी। अपने आप सरकार बुलाएगी आप लोगों को। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट हैं उसके ऊपर व्यापारियों की नाराजगी है, आप कोशिश करो। देखो, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हर स्टेट की अलग बात होती है, कौन सा स्टेट को क्या दाम पे पड़ती है, क्या दाम से बेचता है, स्टेट वाइज अलग होता है। इसके लिए हमें कोई तर्क देना आवश्यक मैं नहीं मानता। क्या 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 इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री अलग से, तो जो मांग रखी है अभी आप उसको आगे पहुंचाएं।